हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल हो स्टूडेंट्स, तब आपको जो फाइंड करना है उसको हम एक्स सपोज करेंगे और उसके अंदर जितनी भी कंडीशन होगी वो कंडीशन को हम समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। तो हियर इज फर्स्ट कंडीशन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2। तो पहले तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर को हम सपोज करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर मतलब हमको जो नंबर चाहिए वो एक्स है। कंडीशन फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, तो कंडीशन 1, एक्स में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ये जो रिजल्ट आया उसको कंडीशन 2 मतलब 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट कंडीशन, यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो ये नंबर एक्स में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड कंडीशन, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट 1/8। तो थर्ड कंडीशन में इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/8। यू कैन सी हियर, सो नाउ आवर इक्वेशन विल बी 1/2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो ऐसा इक्वेशन हमारा बनेगा। इक्वेशन ऐसा बनने के बाद जो भी डिनोमिनेटर हो हमारे उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सो यू कैन सी हियर इन अ डिनोमिनेटर 2 and 8 इज प्रेजेंट। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 8? सो 2 and 8 एलसीएम इज 8। वाई? तो देखो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल में जो पहले जो कॉमन होता है वह। सो 2 के मल्टीपल 2, 2 4, 6, 8, 8 का मल्टीपल 8, 1 जा 8, 2 4 जा 8 और 8, 1 जा 8, पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 8। सो एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 8। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द एलसीएम 2 and 8। तो 2 and 8 का एलसीएम 8 है, 8 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस फर्स्ट साइड एंड दिस सेकंड साइड ऑल्सो। तो 8 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट साइड को, 8 से मल्टीप्लाई किया सेकंड साइड को। सो यू कैन सी हियर 8, 8 इज कट, सो वी हैव 1 एंड 2 4 जा 8। So now we have 4 in the bracket x minus 1/2. You can see here 4 in the bracket x minus 1/2 is equal to 1. अभी 4 को अंदर multiply करेंगे हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 से multiply करेंगे तो 4 into x, 4x, 4 into 1/2 is equal to 1. So यहाँ भी आप cut कर सकते हो, 2, 2 जा 4, now our equation is 4x, 2, 1 जा 2, but minus sign है, so minus 2 एंड राइट साइड है 1। फिर हम यहाँ पे क्या करें, एडिंग 2 टू बोथ साइड, 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड 2 को ऐड कर रहे हैं। अगर 2 ऐड नहीं करना है तो आप 2 को राइट साइड भी ले जा सकते हो, यहाँ मैं अनदर मेथड आपको सिखाऊँ। तो 4x इज इक्वल टू 1 है एज इट इज़, माइनस 2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये डायरेक्ट आप ले सकते हो, 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया पहली एक्सरसाइज, 4x इज इक्वल टू 1 + 2, 3, दरअसल 4x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू 3/4 इज अवर आंसर। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? तो आपको ये मेथड यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। सो यहाँ तक तो आपने समझ लिया है, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक समझ लिया, 2, 2 जा 4। सो यहाँ पे माइनस 2 राइट साइड ले जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 1 + 2, 4x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 इज द आंसर। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/4। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इट? तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/4। नाउ वी आर गोइंग इन अ सेकंड क्वेश्चन। सो व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग इट? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। सो हियर वी हैव पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब कौन कम है, लेस क्या है उसकी ब्रेथ। इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से 2 मीटर मोर देन है लेंथ। सो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो कम होगा, यू कैन सी हियर लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ से 2 मीटर ट्वाइस से ज़्यादा है, तो ब्रेथ को लेना होगा एक्स। सो लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल बी एक्स मीटर, उसकी कंडीशन से हम समझ सकते हैं लेंथ क्या होगी। तो सपोज एक्स उसकी ब्रेथ है, उसके ट्वाइस होगा 2x, उससे 2 मीटर ज़्यादा मतलब +2। सो वी कैन राइट हियर लेंथ इज इक्वल 2x +2 मीटर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग हमको लेनी होगी पेरीमीटर।
Here we have perimeter is equal to 154 meter. Perimeter is equal to 154 meter. So our formula of perimeter, so perimeter of rectangle is equal to 2 bracket L plus B. तो पेरीमीटर में 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी टू एज इट इज रखेंगे. हमारी लेंथ हमने क्या ली है 2x प्लस 2. तो कंडीशन 2 में हमने देखा भी लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस से प्लस 2 ज़्यादा है, तो 2x प्लस 2 लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल 154. इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2 प्लस x, तो 2x प्लस x वी गेट 3x एंड प्लस 2 एज इट इज इक्वल 154. नाउ 2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3x एंड 2 इंटू 2, 2 3 या 6x एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल 154. अभी 4 को राइट साइड ले जाएंगे, सो 6x इज इक्वल 154 माइनस 5, देयरफॉर 6x इज इक्वल 150. 6 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड ले जाए तो 150 डिवाइड बाई 6 होगा. सो यू कैन सी हियर x इज इक्वल 150 डिवाइड बाई 6. एक्स इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड होगा 150 डिवाइड बाई 6, therefore x is equal to 25. Thus the required breadth is equal to 25 meter. तो required breadth 25 meter होगी and the length is equal to, length क्या हमने ली थी 2x plus 2 from the given condition. So 2x की जगह हम value input करेंगे, x की value 25 plus 2 as it is, तो 2 25 जब 50 plus 2, so we get 52 meter of its length. तो स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल मैंने आपको समझाए, एकदम अच्छे से समझने हैं आपको और अपनी नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.